जिला कांगड़ा में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिम सुरक्षा महत्वाकांक्षी अभियान है। हर घर में व्यक्ति किस स्थिति में है, उसे कौन सी बीमारी है, उस बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप तैयार की गई है, जिसके तहत व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो उसका डाटा एकत्रित करके उस पर काम करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। काफी मामले ऐसे भी हैं जिसमें मूल बीमारी का इलाज न होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो रही है और उस व्यक्ति का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आता है तो पूरी बात कोरोना पर ही चली जाती है। ये अभियान बहुत बढ़िया अभियान है। हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में नए नए प्रयोग करके रोगी को कैसे बचाना है, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हालांकि जिला कांगड़ा में मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने वाले लोगों ने काफी मेहनत की है। 27 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। हिम सुरक्षा अभियान एक महत्वाकांक्षी अभियान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हमें हर घर में कोई व्यक्ति किस स्थिति में है, उसको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के बारे में पता लगना, एक ऐप तैयार की गई है। इस ऐप के माध्यम से उन सारी चीज़ों की, जो उसके परिवार के अंदर अगर उसको बुखार है, उसको जुकाम है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हाइपरटेंशन है, इन सारी चीज़ों का डाटा हर किसी के घर में, हर किसी व्यक्ति का एकत्रित करना और उसके ऊपर काम करना। मैं जो अभी बोल भी रहा था कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिस केसेस के अंदर मूल बीमारी का इलाज ना होने के कारण से व्यक्तियों की डेथ हो रही है और वो जिस समय उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आता है तो सारी की सारी बात कोरोना पर ही चली जाती है। और अगर इसको व्यवहारिकता में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो वो व्यक्ति उसको, क्योंकि हम उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, कोरोना के पीछे लगते हैं, तो जो इस अभियान के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया अभियान है। और ये अभियान में काम करने वाले लोग, जैसे हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं, जैसे हेल्थ के लोग आए हैं, आयुर्वेदा के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर्स हैं, ये सभी लोग मिलकर इस काम को करेंगे। एक बहुत ही बड़ी योजना, एक बहुत ही बड़ा काम ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हिमाचल प्रदेश ही पहला ऐसा स्टेट है यहाँ इस लड़ाई में, जो कोरोना की महामारी में जो नई नई बातें, नए नए एक्सपेरिमेंट करके आदमी को कैसे बचाना है, वो हमारे प्रदेश में हो रहा है। इसकी बहुत प्रशंसा भी सेंट्रल लेवल पे हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को शाबाशी दी है। और मैं तो अपने आज जिला कांगड़ा में आया हूँ। जिला कांगड़ा के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जो हमारे कोरोना से लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़े लंबे समय से ये काम में लगे हैं। आज यही कारण है कि जो परिस्थितियां जो हैं, जो वो हमें हमें लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, दिन रात ये काम करते हैं। और हम सब लोगों को, और ख़ास करके जितने लोग मेरे सामने ये खड़े हैं, हम सब लोगों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इन सब को समय समय के ऊपर अप्रिशिएट करें, इनको सजेस्ट करें, ताकि इनकी हिम्मत बढ़े और हम इस अभियान को कामयाब कर सकें। अभी SOP जो नए बने हैं उसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई है। उस SOP में ये लिखा गया है कि अगर ओपन में आप लोगों ने काम करना है तो उस समय संख्या कितनी चाहिए, इनर में आपने काम करना है तो कितनी संख्या चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर रोका जा रहा है। अब बड़े लंबे समय से लोगों के घरों में सेलिब्रेशंस नहीं हो रहे, मैं मानता हूँ वहाँ संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो नया SOP इशू किया है उसके कारण से हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसी भी नहीं है कि वो बड़ी वायलेट करती है चीज़ों को। अगर किसी को कोई बात समझाई जाए तो वो समझता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नए SOP हमने लागू किए हैं, निश्चित तौर से इसका प्रभाव बढ़ेगा और इसके कारण से कोरोना रोका जाएगा। ये हमारा कैंपेन 27 दिसंबर तक चलेगा और इस कैंपेन में, जैसे आपने यहाँ बैठे देखा होगा प्रेजेंटेशन में, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों की क्या पार्टिसिपेशन रहेगी, ये सारे का सारा अभियान 27 दिसंबर तक ये जो चलेगा।